गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दरअसल ये है कि जून के महीने में इंडियन टीम ने WTC फाइनल हारा। WTC फाइनल हारने के बाद इंडियन टीम की छीछा लेजर मचने लगी। सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, हर एक जगह लोग इंडियन टीम को गालियां देने लगे। फिर इंडियन टीम ने एक कोलैबोरेशन किया आदि पुरुष मूवी से। फिर आदि पुरुष मूवी आई और सब लोग वो गम भूल गए, इंडियन टीम का WTC लॉस, और सब लोग आदि पुरुष मूवी को गाली देने लगे और लोग भूल गए कि क्या हुआ था अपने साथ। तो उसके बाद की कहानी दरअसल मैं बताता हूँ। उसके बाद की कहानी ये है कि पूरी इंडियन टीम जो लंदन में थी वो भाई आई ही नहीं इंडिया वापस। सब लंदन से ही वेस्ट इंडीज गए, सब BCCI के पैसे पे एक महीने लंदन में रहे हैं, शॉपिंग वोपिंग कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप रोहित शर्मा का इंस्टाग्राम देख लीजिए, जो भी अक्षर पटेल का इंस्टाग्राम देख लीजिए, सब घूम रहे थे, सब उधर ही घूम रहे थे लंदन तरफ। तो सब लोग उधर घूमे हुए, वहां से सीधे गए हैं भैया सीधे सब वेस्ट इंडीज अभी पार्टी मनाने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज कैरेबियन आइलैंड में से पार्टी आइलैंड मैन। और यू नो राइट कि वेस्ट इंडीज टीम की जो हालत है इतनी खराब है कि अगर इंडियन टीम के कोई बी क्लास स्कूल के हाई स्कूल के बच्चों के साथ खेले तो उसके साथ भी वो हार जाएगी। ऐसी हालत में आज के डेट में वेस्ट इंडीज टीम। तो बात करते हैं कल के मैच की। तो कल के मैच में एक कहावत है कि अगर वीक टीम के अगेंस्ट स्कोर किया तो क्या किया, धोनी मूवी में MS धोनी की कहावत थी कि वीक टीम के अगेंस्ट स्कोर किया तो क्या किया। तो जो भी अभी स्कोर कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, वीक टीम के अगेंस्ट, तो ये मत बोलिए लोग बैक इन फॉर्म आ गए। ये वेस्ट इंडीज टीम वेस्ट इंडीज टीम नहीं है जो 1980 में थी। पहले बात करते हैं अश्विन अन्ना के 5 विकेट की। अश्विन अन्ना एकमात्र ऐसे बॉलर होगा जो बाप को भी आउट किया, बेटे को भी आउट किया। जी हाँ, शिव नारायण चंद्रपाल को भी आउट किया था, तंगा नारायण चंद्रपाल को भी उन्होंने आउट किया। तो अश्विन अन्ना, हैट्स ऑफ टू यू यार, व्हाट अ बॉलर यू आर। आपने प्रूफ कर दिया है क्यों आप टेस्ट के नंबर वन बॉलर है, 5 विकेट का हॉल लेके वेस्ट इंडीज से। और आप फिर से सवाल उठते हैं कि WTC फाइनल में अश्विन अन्ना को क्यों नहीं खिलाया गया। रोहित शर्मा शुड बी आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन, राहुल द्रविड़ शुड बी आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन, आई वाई डोंट नो। अगर आप इंडियन टीम में अभी अश्विन और जडेजा की जोड़ी को हटा दे तो पूरी इंडियन टीम की बॉलिंग एकदम ऐसे डगमगा जाती है। इट्स ऑल बिकॉज पूरे लास्ट के हम 10 टेस्ट उठा के देख ले, या तो अश्विन ने मैच जितवाया या जडेजा ने मैच जितवाया, या तो अश्विन ने या जडेजा ने। और आप एक अश्विन जैसे प्लेयर को बिठा देते हैं फाइनल में, व्हाट द फक यू आर डूइंग रोहित शर्मा, व्हाट द फक यू आर डूइंग। एनीवे कमिंग बैक, ये जो मैच था ना, इसमें जो 150 रन बनाई है वेस्ट इंडीज, इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है जयदेव उनटकर को। अबे जयदेव उनटकर, तुम एक विकेट नहीं ले पा रहे हो, वो भी स्कूल के बच्चों का विकेट। अरे यार, इससे स्कूल के बच्चे, इनका अगर तुमसे विकेट नहीं लिया होगा ना तो यू डोंट डिजर्व टू बी प्लेस इन द स्क्वाड, गो बैक और वहीं पे खेले। दूसरा, अरे भैया ये कौन सा प्लेयर है, 40 40 40 कुछ रन मार दिया। अबे शर्म आनी चाहिए, रोहित शर्मा 40 रन बनाने कैसे दिए उस प्लेयर को, ऐसे नाम है उसका भी, रोहित शर्मा शर्म आनी चाहिए। नो वन शुड हैव स्कोर मोर देन 20 विद दिस काइंड ऑफ टीम व्हाट वेस्ट इंडीज इज गोइंग थ्रू। और सबसे बड़ी बात, अभी रोहित शर्मा आया है, मारेगा सेंचुरी, और सब लोग इंडियन भाई रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म, रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म, ऐसे चिल्लाने लगे भैया रोहित शर्मा इज नॉट बैक इन फॉर्म। अरे ऐसे टीम के आगे ना कोई भी मार दे तो फिर डोंट कंसीडर हिम बैक इन फॉर्म। एनीवे, वेस्ट माय बेस्ट विशेस टू वेस्ट इंडीज टीम सो दैट दे कैन कोप अप एंड प्ले दिस काइंड ऑफ फुलिश टीम। और जो लंदन जाके जो शॉपिंग किए हैं और जो अभी टेस्ट के स्क्वाड में नहीं है लेकिन T20 स्क्वाड में है और ODI स्क्वाड में, जो अभी भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो आने वाले हैं वेस्ट इंडीज, तो भैया BCCI के पैसे पे आराम करें और हमें भी चैन दे। तो डे वन स्टंप खत्म हुआ, 150/10 पे वेस्ट इंडीज आउट हो गई। इंडियन टीम की 0 विकेट है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खेल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय डे ओवर हियर, तो तब तक के लिए जय श्री राम, शब्बा खैर, शुक्रिया, दुआ में याद रखें।